हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ बसंत बरेट, आई एम एलीट ट्रेनर फायर एंड सेफ्टी फ्रॉम जिप्सा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेफ्टी नेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे या एक रनिंग प्लांट में सेफ्टी नेट की किस तरीके से यूज किया जाता है, सेफ्टी नेट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सेफ्टी नेट, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी नेट पे। जब भी हम किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्लांट हो, चाहे वो एक निर्माण क्षेत्र या हमारे एक रनिंग प्लांट हो, जब भी वहां पे हम किसी जैसे हाइट वर्क में काम करते हैं जहां पे हमें सेफ्टी बेल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हमारे ग्राउंड फ्लोर से 1.8 मीटर ऊपर हो या हमारे ग्राउंड फ्लोर से 1.8 मीटर नीचे हो, जहां पे हमें सेफ्टी बेल्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे हम कुछ सेफ्टी के चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, सेफ्टी को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लाइक जब अगर हम किसी एक स्केप फोल्ड में काम करते हैं तो इसके फोल्ड में सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि हमारे जो भी टॉप रेल मिड रेल है वो किस तरीके से बनाया गया है, जहां पे हम खड़ा हो रहे हैं, या जो इसके फोल्डिंग बनाया गया है क्या वो इसके फोल्डिंग की कैपेबिलिटी जो है वो एक वर्कर को वहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या जो हम वहां पे जो भी मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं उस मटेरियल की क्षमता को वो सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सभी को पहले हम चेकआउट करते हैं। देन जो भी हमारे वर्कर्स या टेक्नीशियन जो उस स्केप फोल्ड में काम करने वाले होते हैं वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, तो क्या वो कार्य सुटेबिलिटी के अंतर्गत वो स्केप फोल्ड को बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी सेफ्टी बेल्ट एक वर्कर या टेक्नीशियन पहनता है तो उसको अटैच करने के लिए प्रॉपर वहां पे लाइफ लाइन की व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी जब हम ये सारे सेफ्टी के इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और वो हाइट से नीचे गिर जाते हैं, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए भी हम एक और सेफ्टी पर्पस के रूप में हम एक सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी नेट को लगाने का जो पर्पस होता है दोस्तों, कि एक वर्कर जब किसी ऊंचाई पे काम करता है तो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर वहां पे अगर गिरने की संभावना बनती है तो वहां पे हम एक सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी नेट दो तरीके का हो दोस्तों। पहला जो होता है HDPE टाइप सेफ्टी नेट, HDPE कहने का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन रॉ मटेरियल। दूसरा होता है मेटल टाइप सेफ्टी नेट। मेटल टाइप सेफ्टी नेट का इस्तेमाल हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन एरिया में जहां पे मिट्टी कोलैप्स होने की संभावना रहती है वहां पे हम करते हैं। दूसरा जो होता है HDPE टाइप सेफ्टी नेट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए हम लोग उस सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी नेट इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है दोस्तों, किसी भी जगह पे जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम काम करते हैं उसके नीचे में मिनिमम टू मिनिमम आप एटलीस्ट 6 मीटर तक आप उस सेफ्टी नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म और सेफ्टी नेट के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही आप उसको 5 मीटर के दूरी पे आप लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।